नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर और लखनऊ दौरे की करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परौक पहुंचे। जैसे ही विशेष विमान से उतरकर राष्ट्रपति ने अपने पैतृक जन्मभूमि पर कदम रखा, सबसे पहले उन्होंने उस मिट्टी को माथे लगाया जिस मिट्टी में उनका जन्म हुआ, जहाँ के पले बढ़े और बड़े होकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के बाद सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ दौरे की बात करें तो लखनऊ करीब 12:45 बजे विशेष ट्रेन से लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से उनका काफिला सीधे राजभवन जाएगा। राजभवन में सोमवार को दिन भर तमाम गणमान्य लोगों से उनकी मुलाकात होगी। रात्रि प्रवास राजभवन में करेंगे और मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति पहुंचेंगे। वहां करीब 1 घंटे का यह कार्यक्रम होगा और जहां से निकलने के बाद शाम करीब 4:30 बजे राष्ट्रपति एयरफोर्स के विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे में करीब 28 घंटे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी पुख्ता कर ली गई है। लखनऊ कमिश्नरेट में पड़ने वाली जो रेलवे ट्रैक है, करीब 30 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक होगी, वहाँ पर पुलिस की निगरानी होगी। जहाँ जहाँ उनका काफिला गुजरेगा, रेलवे स्टेशन से लेकर राजभवन और राजभवन से लेकर एयरपोर्ट तक, वहाँ पर ट्रैफिक डायवर्जन होगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए गए होंगे, सिविल पुलिस के लोग होंगे, PSC के लोग होंगे। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने एक विशेष इंतजाम किया है। कानपुर में राष्ट्रपति के जब उनका काफिला गुजर रहा था तो वहाँ एक दुखद घटना सामने आई। एक महिला जो इलाज के लिए एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाई जा रही थी, VVIP मूवमेंट के चलते ट्रैफिक रोक दिया गया, एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिसके चलते उसकी दुखद मौत हो गई। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर उस परिवार से पहुँचे, उनसे माफ़ी मांगी और उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिनके चलते ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसी रही और महिला की मौत हो गई। कानपुर की घटना से सबक लेते हुए लखनऊ पुलिस ने एक विशेष इंतजाम किया है। VVIP मूवमेंट के दौरान लखनऊ में जो ट्रैफिक रोका जाएगा, अगर उस दौरान कोई मरीज एम्बुलेंस में होगा या किसी अपनी प्राइवेट गाड़ी में होगा, उसको निकलने के लिए, ट्रैफिक जाम से निकालने के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसका नंबर जारी किया गया है कि उस नंबर पर कॉल करने के बाद उसको विशेष परिस्थितियों में ट्रैफिक जाम से निकाला जाएगा और उसके अस्पताल तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ये एक विशेष व्यवस्था कानपुर की घटना को देखने के बाद लखनऊ पुलिस ने की है। राष्ट्रपति के कानपुर और लखनऊ में इस पूरे दौरे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से खुफिया एजेंसियों के सीधे संपर्क में हैं, जो उनके द्वारा, जो खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं उस पर काम किया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। जो रूट है उसको एक बार कहा जाए स्क्रूटनाइज कर लिया गया कि रास्ते में कहीं पर कोई दूसरा डायवर्जन ना हो। हर गली पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ आगमन की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए यूपी तक।